टुडे वी विल डू एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन आई वॉन्ट हार्ड वर्ड्स एलिफेंट विसेज स्टैचेज स्ट्रिप्स क्राइज एंड रिमेंबर वर्ड्स एंड सेम मीनिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल वाइज वाइज मीन्स इंटेलिजेंट मॉन्स्टर मॉन्स्टर मीन्स डिमॉन ग्रो ग्रो मीन्स इंक्रीज रिमेंबर रिमेंबर मीन्स रिकॉल एक्सरसाइज वर्क पुट A tick or a cross against the following sentences. A. The little monkey wants to be big and strong. Little monkey big or strong banna chahta tha. Tick. This is right. B. A wise woman does not hear him. Wrong. Kya wise woman ne uski baat ko nahi suna? Wrong. Bilkul suna. She gives him a van. Woh usko ek van deti hai. Tick. D. The giraffe stretches his long neck. Tick. E. The elephant has no trunk. Wrong. Elephant has trunk also. The zebra has stripes. Tick. The little monkey sees a monster in the river. Tick. Answer the questions. What does the little monkey want to be? Little monkey kya banna chahta tha? द लिटिल मॉन्की वॉन्ट्स टू बी स्ट्रांग लिटिल मॉन्की स्ट्रांग बनना चाहता था मीन्स स्ट्रांग मीन्स पावरफुल ताकतवर बी हु हियर्स हिम उसकी आवाज कौन सुनता है आंसर इज अ वाइज वुमन हियर्स हिम एक वाइज वुमन उसकी बात को सुनती है नंबर थ्री हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ एलिफेंट नहाता कैसे है आंसर एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विद वॉटर एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ लिटिल एन एलिफेंट अपनी ट्रंक में वाटर फिल करता है और उसके बाद उसको ब्लो करता है ऑल ओवर हिज बॉडी नंबर फोर डज द जेब्रा हैव स्पॉट और स्ट्रिप्स जेब्रा की बॉडी में स्पॉट्स होते हैं स्ट्रिप्स होती हैं आंसर अ जेब्रा हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी एंड स्पॉट्स हैज अ टाइगर ओके नंबर फाइव व्हाई डज लिटिल मॉन्की वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन लिटिल मॉन्की अपनी तरह पहले की तरह क्यों बनना चाहता है आंसर द लिटिल मॉन्की फाउंड हिमसेल्फ लुक लाइक अ मॉन्स्टर लिटिल मॉन्की ने अपने आप को एक मॉन्स्टर की तरह देखा देयरफॉर ही वांटेड टू बी हिमसेल्फ अगेन इसलिए वो अपने आप की तरह बनना चाहता है जैसा वो पहले था क्वेश्चन थ्री मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप कॉलम ए कॉलम बी अ बी अ काउ अ लायन अ बर्ड अ प्राइड ऑफ लायन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स A swarm of bees, a herd of cows. A bee matched with a swarm of bees. A cow matched with a herd of cows. A lion matched with a pride of lion. A bird matched with a flock of a bird. Okay, student? In front of your page, you will write Unit 2, Lesson 2, I want. Then you will do hard words, word meaning and exercise work. This work, you can take screenshot from there. This work and this work. Okay, students? Thank you.